दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश से बहुत सारे ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पड़ोसी देशों के साथ, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया। लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि अगर वहाँ गई हुई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस के अंदर उनके क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, किस चीज़ का क्लेम मिल सकता है और किसका नहीं। एक तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक केस आया अभी हमारे सामने जहां पर गाड़ी गई यहां से नेपाल, वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया किसी स्कॉर्पियो के साथ और मालिक का ये दावा है कि मेरा 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया और मुझे 1 रुपए की भी भरपाई किसी भी तरीके से बीमा कंपनियों से नहीं हुई, जबकि बीमा उसने लिया हुआ था। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या राइट्स हैं, फिर बीमा लेने का क्या फ़ायदा, दूसरे देश का अलग से एक होता है जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, उसका क्या मतलब है अगर मुझे वहाँ पर जो क्लेम है वो रीइंबर्स होना ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही एक जानकारी भरपूर ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, देखना ना भूलिएगा एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं दविंदर और इनकी गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर है, कंटेनर 2518 और अशोक लेलैंड 2019 मॉडल ये गाड़ी है। ड्राइवर है विनोद कुमार। इनकी गाड़ी यूपी साइड से दंगबाड़ी बॉर्डर है नेपाल में, वहाँ से घुसी थी। सोनीपत टू काठमांडू पूरा रूट है, काठमांडू जाना था और ये जून के पहले हफ्ते की बात है इसी साल की। और वहाँ पर जब हाईवे पर गाड़ी चल रही थी तो स्कॉर्पियो और एक बाइक की आपस में पहले टक्कर हुई, पीछे इनकी गाड़ी आ रही थी। एकदम से स्कॉर्पियो को बचाने की कोशिश में इन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिए जिससे इनकी गाड़ी पलट गई, लेकिन बावजूद इसके स्कॉर्पियो के साथ गाड़ी टच हो गई और वो स्कॉर्पियो जाके आगे किसी चीज़ में टक्कर उसकी हुई, शायद दीवार में या किसी पहाड़ी में उसकी टक्कर हो गई, तो स्कॉर्पियो का भी नुकसान हो गया, ट्रक भी पलट गया। जबकि एक्सीडेंट शुरू में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच में हुआ था, उनको बचाने के चक्कर में इन्होंने अपना नुकसान हो गया इनका। और दोस्तों, ये सारी जो सूचना है, सारी जो जानकारी है, हमें गाड़ी के जो मालिक है दविंदर भिवानी के रहने वाले, उन्होंने दी है। अब जब हमारी टीम ने उनसे पूछा कि क्या आपने गाड़ी का जो बीमा करा रखा था, तो उन्होंने बताया मैंने जियोग्राफिकल एक्सटेंशन जो होती है, आपको पता होगा अगर आपने कभी ट्रक का बीमा कराया है तो साथ में कुछ थोड़े से पैसे लगते हैं, तो उसके अगर वो आप ले लेते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, तो आप जो साथ में कुछ देश हैं 6-7 वहाँ पर भी अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, आपकी गाड़ी का कवर आपको मिलता है। लेकिन उनका सवाल ये था दविंदर जी का कि मुझे इस केस में एक फूटी कौड़ी मेरी बीमा कंपनी की तरफ से नहीं मिली, उस वो क्यों, और उस वहाँ तक मैं आता हूँ, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हालात वहाँ पर क्या हैं। मुद्दे यहाँ पर दो हैं, एक तो क्लेम का है और दूसरा मुद्दा ये है कि नेपाल जैसा देश जिसको हम बहुत छोटा सा देश मानते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा देश मानते हैं, वहाँ पर इंडियन गाड़ियों की क्या इज्जत है, ड्राइवरों की क्या इज्जत है, वो किस तरीके से उनकी पुलिस भारत की गाड़ियों को ट्रीट करती है, ये भी एक बात समझने और दिमाग में बैठाने वाली बात है। उन्होंने बताया कि एक तरीके से अगर वहाँ पर कुछ छोटा मोटा हादसा हो जाए तो एक तरीके से लूट मच जाती है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसका एक्सीडेंट है, उसका तो होता ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लूँ, लेकिन पुलिस भी ऑब्वियसली उनकी है तो वो भी उनके साथ हो लेते हैं, तो इनकी सुनवाई के लिए वहाँ कोई होता नहीं है। इनके केस में क्या हुआ कि 70,000 रुपया तो इनसे क्रेन वाले ने ले लिया गाड़ी को सीधा करना और वहाँ से जहाँ भी रिपेयर वगैरह होनी थी वहाँ ले जाने के लिए 70,000 रुपया। साढ़े ये नेपाली रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रुपया चलता है नेपाली रुपया, 23,500 उनका जो बाइक सवार था, जिसमें ट्रक लगा ही नहीं असल में, इनके हिसाब से 23,500 रुपया बाइक वाले को दिला दिया, 30,000 रुपया उनका मेडिकल का खर्चा आ गया जो लोग स्कॉर्पियो में या बाइक में थे उनको दे दिया जी, मतलब पूरा ऐसे बांट दिया पैसा जैसे फ्री का हो, 4,000 रुपये उसका मोबाइल टूट गया उसके पैसे, 3,500 रुपया स्कॉर्पियो को सीधा करा क्रेन ने उसके पैसे, और 5,00,000 रुपया फाइनल सेटलमेंट, ये सब खर्चे के अलावा 5,00,000 रुपया अलग से देना है, ये समझौता लिखित में हुआ, हमारे पास डॉक्यूमेंट है लेकिन वो नेपाली में है, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता, और ये सारा पैसा 6 लाख के करीब बनता है नेपाली,
और अगर उसको भारतीय करेंसी में हम अपने रुपए में कन्वर्ट करें तो 4 लाख के करीब बनता है। लेकिन गाड़ी मालिक का ये कहना है कि इसके अलावा भी उसका 1-2 लाख रुपए कैश और खर्चा वहां पर आ गया। अभी गाड़ी के ऊपर इनकी खुद की गाड़ी का कितना नुकसान हुआ वो अलग है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। लेकिन इससे भी बड़ा दुख जो देवेंद्र जी ने जाहिर किया, वहां पर जितने भी गाड़ी मालिक जाते हैं, ड्राइवर जाते हैं, वो ये है कि वहां की पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती है। कोई इज्जत नहीं है कि भाई भारत से गाड़ी आई है ना। और वहां पर ये होता है कि छोटी छोटी गलती का भी चलान बड़े बड़े हैं, और किसी से थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई फिर तो आपकी कोई खैर नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह कि भारत सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है वहाँ पर। कोई ऐसी अथॉरिटी बॉर्डर के ऊपर या वहाँ पर कोई ऐसा नंबर ही दे दो, टोल फ्री नंबर दे दो, अगर हमारे नागरिक के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वहाँ फ़ोन कर ले, है ना। हमारी तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर उनकी पुलिस से बात करे कि भाई ऐसे कैसे तुम हमारे बंदे के साथ ऐसा कर रहे हो। तो क्योंकि वहाँ पर कोई खैरात मांगने तो जा नहीं रही गाड़ियाँ, नेपाल को माल चाहिए इसीलिए यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो उनसे ट्रीटमेंट भी वैसा होना चाहिए। पर लेकिन कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा ढंग प्रावधान नहीं है। और ना ही उन्होंने कहा कि एम्बेसी वगैरह तो हमारी ना, तो हमें पता है कहाँ जाना है कैसे जाना, ना कोई हमारी वहाँ पर सुनने वाला है। तो एक तो ये दुख है। दूसरा अब आया बीमे का मसला कि अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ले रखी थी तो उसके बाद भी क्लेम क्यों नहीं मिलता। तो इसके बारे में हमारे ही कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के सीनियर अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है उसका मतलब सिर्फ इतना है, जो थोड़े से पैसे होते हैं 400-500 के करीब, वो जो खर्चा होता है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ, जैसे इनकी गाड़ी का जो इस केस में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेगी बीमा कंपनी। भारत से जो बीमा कराया है भारत की बीमा कंपनी उसका हर्जाना देगी, वो चाहे उसकी रिपेयर वहाँ करा लें या यहाँ पर करा लें वो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी भरपाई तो होगी, यानी कि ओन डैमेज की भरपाई तो होगी। अगर कॉम्प्रिहेंसिव बीमा ले रखा है ऑब्वियसली, तभी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन मिली है, तो आपको गाड़ी का नुकसान का तो मिल जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी के चांस बहुत बहुत कम है। थर्ड पार्टी के केस में, जैसे इस केस में हुआ ना कि स्कॉर्पियो वाला और बाइक वाला थर्ड पार्टी बन गए, उनका नुकसान हुआ और वो ड्राइवर से वसूल रहे हैं। अगर भारत में होता तो क्या हो सकता था कि वो उसको कहते कि तू मेरे पे केस कर दे और मेरी बीमा कंपनी तुझे पैसा दे देगी। वहाँ पर भी यही चाहती हैं बीमा कंपनियाँ कि जो भारतीय बीमा कंपनी, वो क्या कह रही है कि वो अगर स्कॉर्पियो वाला या वो बाइक वाला भारत में आके भारत की कोर्ट में इनके ऊपर केस करता, देवेंद्र जी के ऊपर केस करता गाड़ी मालिक पे, तब इनकी बीमा कंपनी उनको जो भी हर्जाना था 5-6 लाख रुपये वो दे देती। लेकिन अब एक तो कोई केस नहीं हुआ, ये म्यूचुअल सेटलमेंट है, तो इस केस में तो कोई पैसा मिलेगा नहीं, वो तो यहाँ पर भी अगर सेटलमेंट कर लो तो बीमा कंपनी नहीं देती है, तो एक तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि भाई जिसको कैश मिल रहा वहाँ 4-6 लाख, वो क्यों पहले भारत आएगा फिर यहाँ की अदालतों में वो केस करेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है। उन्होंने गाड़ी आपकी पकड़ रखी है, एक तरीके से एक्सटॉर्शन है ये, है ना, वसूली है ये, तो वो तो वहीं लेंगे, वो क्यों करेंगे। तो इसका कोई जवाब किसी भी बीमा कंपनी के पास नहीं है। ये एक या दो कंपनियों की बात नहीं है, कोई भी बीमा कंपनी, उनका तर्क अपना है कि जो हमारी बीमा कंपनी है वो भारतीय कानून के हिसाब से चलती है, तो उसी के अनुसार ही हम क्लेम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब असल में प्रैक्टिकल ये हो गया कि आपको वो जो एक्स्ट्रा बीमा है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन वाला, वो तो लेना चाहिए, वो 400-500 रुपये होता है, वो लेना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी गाड़ी कवर है, याद रखिए। थर्ड पार्टी का 1-2% ही चांस है कि आपको कभी कुछ मिल जाए, मोटे तौर पे नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सतर्क होके आपको इन देशों में जाना चाहिए। वहाँ पर कोई नुकसान हो गया थर्ड पार्टी का तो आपको जेब से ही भरना होगा, सीधे सीधे इसके मायने ये हैं। जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना देती कि आपका नुकसान वहाँ पर कम से कम हो, या आपकी वहाँ की वहाँ पर केस हो जाए और वहाँ यहाँ की बीमा कंपनी आपको क्लेम दे दे, या फिर ऐसा कोई नियम, तो करने का ये काम जो है वो सरकार के लेवल पे है, तभी कोई राहत मिलेगी। तब तक अपनी गाड़ियाँ जब इन देशों में जाएं तो ध्यान से चलाएं, यही कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी को प्यार करते हैं, तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है,
जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है, 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलते हैं उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।